मैं इन चीजों के बारे में बात करूंगा। एक मॉडर्निज्म की किताब जो कि तो इस किताब में मतलब मैं ज्यादा इसमें टाइम कभी नहीं दे सकता, लेकिन ये इस किताब में ज्यादा और डिटेल्स हैं और ये इसका इंडियन एडिशन भी मुंशीराम से है। दूसरी चीज में जो बात करूंगा वो एक मेरी अपनी प्रैक्टिस है, मेरी आर्ट प्रैक्टिस उसके बारे में, और तीसरी एक क्यूरेटोरियल प्रोजेक्ट, एक एग्जीबिशन जो मैंने क्यूरेट किया था उसके बारे में, ठीक है। तो ज्यादा गहराई में हम बात नहीं कर पाएंगे, लेकिन बस थोड़ा थोड़ा हर चीज से टच करेंगे, और फिर सवाल जवाब में हो सकता है आपके यहाँ आप कुछ अगर इसमें नजीक कुछ बात करना हो तो कह सकते हैं। तो जो किताब मैंने मॉडर्निज्म पे लिखी उसमें आई वाज लुकिंग एट मॉडर्निज्म इन साउथ एशिया एंड आई वाज लुकिंग एट आर्टिस्ट्स हु बिकेम पार्ट ऑफ द आर्ट मॉडर्न आर्ट इन पाकिस्तान। लेकिन टू से दैट दीज आर्टिस्ट्स वर मॉडर्न आर्टिस्ट इन पाकिस्तान, एक्चुअली ये बड़ी एक मतलब कॉम्प्लिकेटेड सी कहानी है, क्योंकि इसमें बहुत से आर्टिस्ट जो थे वो जाहिर है मतलब जब पार्टीशन हुआ 1947 में तो बहुत से आर्टिस्ट थे उनके कैरियर थे, लेकिन इंडिया में बॉम्बे में दिल्ली में मुख्तलिफ जगह उनके कैरियर्स थे, पार्टीशन के बाद उनकी क्या कहानियाँ रही वो कनेक्शन टूटा नहीं। दूसरी बात ये कि बाज आर्टिस्ट जो हैं वो इंग्लैंड में उन्होंने अपनी अब इतना ज़्यादा काम किया, तो इसको हम नेशनल फ्रेमवर्क में कैसे ला सकते हैं। तो इस तो जो टाइटल है वो तीसरी चीज है कि ये आर्टिस्ट मैंने ये किताब मतलब एक कॉम्प्रिहेंसिव किताब नहीं है पाकिस्तानी आर्टिस्ट, सिर्फ कुछ आर्टिस्ट के बारे में लिखा है, तो 5-6 या 7 आर्टिस्ट के बारे में, और मैं उनके प्रोजेक्ट्स को इस नज़रिए से देख रहा हूँ कि उन्होंने ट्रेडिशन के से किस तरह अपने आप को एंगेज किया था, और जो ट्रेडिशन है वो एक कॉम्प्लिकेटेड चीज़ है। तो मैं पूरी किताब के बारे में तो अभी जा सकता, लेकिन मैं एक आर्टिस्ट के बारे में जरा सा टाइम देता हूँ, सादिक हैं जो कि बहुत मशहूर आर्टिस्ट हैं, जो कि 1930 में पैदा हुए और 1987 में उनकी वफात हुई, और ये पैदा हुए अमरोहा में, और मतलब जब 1947 तक ये इंडिया में थे, ये ऑल इंडिया रेडियो से वापस ना थे, ये काफ़ी मतलब लिटरेरी राइटर्स वगैरह से वापस ना थे। 1948 में ये कराची आए और कराची में उन्होंने काम शुरू किया, और 1955 से लेके इनका करियर मतलब डेवलप होता है, और 1955 से इनकी वफात हुई 1987 में, तो ये 1955 और 1960 मिड 60 से लेके लेटर 60 तक इन्होंने बहुत ज़्यादा काम किया। अच्छा, अब इनका ट्रेडिशन से क्या ताल्लुक है अगर वो देखें तो सादिकैन का सबसे मतलब जो शुमार होता है वो उनकी एंगेजमेंट है कैलीग्राफी से, और अगर हम कैलीग्राफी की हिस्ट्री देखें तो उसमें आप देख सकते हैं कि जैसे तो ये शिकस्ता स्क्रिप्ट है जो कि एक तरह से एब्स्ट्रैक्शन की तरफ जाती है, क्योंकि इसको पढ़ना मुश्किल होता है, और ये भी देख सकते हैं कि दो मुख्तलिफ स्क्रिप्ट्स का यहाँ पर मतलब एक पैम्फलेट है, दो मुख्तलिफ स्क्रिप्ट्स में शायद हुई है नस्तालिक में और शिकस्ता में, और शिकस्ता आप देख सकते हैं कि वो एक कि मतलब उसमें ज़्यादा एक एक्सप्रेसिव कैपेसिटी है, और जो फारसी और उर्दू शायरी में जो मेटाफर्स इस्तेमाल होते हैं मतलब गज़ल में, तो उसमें काफ़ी जो मतलब मेटाफर्स होते हैं वो लेटर्स पे बेस्ड होते हैं कि मतलब कि ज़ुल्फ जो है वो लांग की तरह है, या फिर मतलब जो आंख जो है वो एक और लेटर की तरह है। तो ये एक पोर्ट्रेट बनाई है एक एन मेरी श्मेर ने, जो कि मतलब एक हरूफी हरफों से या हरूफी टेक्निक से मतलब एक पोर्ट्रेट है, तो एक तरह से एक लिंक पैदा होता है फिगरेशन में और राइटिंग में, ये मैं कहना चाहता हूँ। और अगर आप ये भी देखें कि इस किस्म के जो मतलब पेंटिंग्स हैं जिसमें कैलीग्राफी एक इस्तेमाल हो रही है पेंटिंग्स में, और ये कैलीग्राफी को मतलब इस तरह शेप किया गया है कि इसको कि इसमें मतलब मुख्तलिफ किस्म के मतलब फिगर्स में शेप किया गया है, ये भी एक लेट डेवलपमेंट है कैलीग्राफी में, ठीक है। अच्छा, अब अगर आप देखें तो
जैसे ये मुगल लिटरेचर है हाशिम की और अर्ली 17th सेंचुरी, इसमें आप देख रहे हैं कि कि एक इंडिविजुअल को पोर्ट्रे किया गया है, तो एक मतलब एक स्क्रोल को देख रहे हैं। और अगर आप देखें कि ये 19th सेंचुरी, मेरे ख्याल से 19th सेंचुरी पोर्ट्रेट है गालिब की, तो उसमें भी यही पोज मतलब एक तरह से कंटिन्यूटी चल रही है। अच्छा, कुछ फर्क भी है अगर आप देखें तो गालिब की पोर्ट्रेट में एक एक तरह से यूरोपियन पर्सपेक्टिव भी देखा जा रहा है, ठीक है ना। अच्छा, और अगर आप ये भी देखें कि फिर अगर आप लेट 19th सेंचुरी में अगर आप जाएं तो इंडिया में उस जमाने में काफी मतलब एक प्रिंट रेवोल्यूशन शुरू हो गया था, तो मुख्तलिफ हर जगह मतलब हर मुख्तलिफ लैंग्वेजेस में पब्लिकेशन निकल रही थी, मैगजीन, न्यूज़पेपर, लिथोग्राफी से निकल रहे थे। तो अवध पंच एक काफी मशहूर मतलब एक मजाहिया सेटेरिकल न्यूज़पेपर निकलता था, और इसमें ये पहले शुमारे का कवर है, और इसमें अगर आप देखेंगे तो मिस्टर अवध पंच जो है उनकी नाक और उनकी आंखें वो भी कैलीग्राफी से बनी हुई है, ठीक है ना। और कैलीग्राफी की एक एक तरह से एक जीनियोलॉजी भी है, तो अगर इस तरह के चार्ट्स आप अगर देखेंगे कैलीग्राफी की हिस्ट्रीज में, तो ये 10th सेंचुरी के से लेके अब तक मतलब एक तरह से एक जीनियोलॉजी कि किसने किसने किसको सिखाया और किसने कौन सा स्टाइल डेवलप किया, वो एक तरह की जीनियोलॉजी है, आपको वो हिस्ट्री पहले से मौजूद थी। हाँ, एक पूरा शब्द बना। अच्छा, और ये मतलब इतने मुलाकता है। अच्छा, अगर आप सादतैन को देखें तो सादतैन अपना काम मतलब अपना करियर 1955 से मतलब शुरू करते हैं, और सादतैन अमरोहा में पैदा हुए, उन्होंने दिल्ली में काम किया, और दिल्ली में उनका और इंडिया रेडियो में काम ये था कि वो शायरों की के कलाम को कॉपी करते थे और फोल्डर बनाते थे ताकि और इंडिया रेडियो में उन फोल्डर्स का इस्तेमाल हो। और अगर आप इस म्यूरल को देखें तो इसमें देखेंगे कि ये म्यूरल 1955 का है, 59 का है, लेकिन अगर आप इसकी एक पेंटिंग देखें जो कुछ अर्से मतलब अर्ली 70s में बनी है, तो एक तरह से वो थीमेटिक कंटिन्यूटी है। और ये पेंटिंग है, ये अल्लामा इकबाल की मोहम्मद इकबाल के कलाम पर बेस्ड है, और मतलब ये है कि इंसान को तकदीर का मतलब एक शिकार नहीं होना चाहिए, लेकिन इंसान को अय्याम का मतलब नहीं वाकिफ है कहना, मतलब कलंदर जो है जो मतलब कलंदर एक तरह से एक सब्जेक्टिविटी है कि इंसान को कलंदर होना चाहिए, कलंदर में ये ताकत हो कि वो वक्त को कंट्रोल करे, वक्त के कंट्रोल में ना आए, ठीक है ना। अच्छा, इसके अलावा मतलब सादतैन ने काफी मुख्तलिफ स्टाइल्स में काम किया, ये इसरारुल हक बजाज की पोइम है आवारा, उस पर एक पेंटिंग बनी है, और जल्द ही सादतैन एक लैंग्वेज एक तरह की एक विजुअल लैंग्वेज डेवलप करने लगे जो कि मतलब कैक्टस प्लांट्स पर बेस्ड थी। और इस पेंटिंग में आप देख रहे हैं कि ये एक मुहतरमा की पेंटिंग है, तो एक तरह से इसमें एक दो मुख्तलिफ लैंग्वेजेस क्लैश हो रही हैं, एक रियलिस्टिक लैंग्वेज है जैसे आप इसकी शक्ल देखें मुहतरमा की, और अगर आप बैकग्राउंड देखें तो वो या इनकी साड़ी के स्टाइल्स देखें तो उसमें आपको एक तरह से एंगुलरिटी, फ्रैक्चर्डनेस, मतलब क्यूबिज्म वो नजर आएगा आपको, ठीक है। तो सादतैन जा रहे हैं मतलब इस कैलीग्राफी और एब्स्ट्रैक्शन की तरफ जा रहे हैं, और ये पेंटिंग्स हैं बहुत मुख्तलिफ स्टाइल्स में काम कर रहे हैं। ये 1959 की एक पेंटिंग है, ये 1960 की एक पेंटिंग है, अच्छा, और ये है ये भी 1960 की एक पेंटिंग है। और इसमें आप देख रहे हैं कि सादतैन अपनी पोर्ट्रेट को मतलब इसमें पूरा जो एक लैंडस्केप है, फिगर इन लैंडस्केप की पेंटिंग है, इसमें फिगर भी एग्जैजरेट हो गया है, और पूरा पूरा जो पिक्टोरियल यू नो सरफेस है वो फ्रैक्चर हो गई है। अच्छा, और फिर ये एक पेंटिंग है कॉम्पोजिशन इन कूफी और कूफिक स्क्रिप्ट, तो मतलब ये डायरेक्टली रिलेटेड टू काइंड ऑफ कैलीग्राफी स्क्रिप्ट। अच्छा, अब अगर हम देखें तो मैं जरा जल्दी कर रहा हूँ, तो सादतैन को काफी उस जमाने में मतलब 60s में काफी म्यूरल कमीशन मिले, और सादतैन ने बहुत ज्यादा म्यूरल उस जमाने में बनाए,
को ज्यादातर कमीशन उन्हीं को मिलते थे और ये एक म्यूरल है ट्रेजर्स ऑफ टाइम जिसमें मतलब शुरू से लेकर आखिर तक अपने जमाने तक उन्होंने एक तरह की इंटेलेक्चुअल हिस्ट्री बनाई है जिसमें मतलब ग्रीक फिलोसोफर से लेके टैगोर और इकबाल तक मतलब के कैरेक्टर्स हैं और उसमें सादिक ने अपने आप को भी उस म्यूरल के बीच में जो मतलब एक फकीराना मतलब किरदार है वो सादिक ने अपने पोर्ट्रेट है इसके। अच्छा इसके अलावा इन्होंने एक बहुत बड़ा म्यूरल बनाया जो कि मंगला डैम है। मंगला डैम एक नया मतलब डैम था उस जमाने में मतलब ये वो डैम बहुत ज्यादा मतलब डेवलपमेंट की तरफ पाकिस्तान में काम हो रहा था और ये बहुत बड़ा मतलब एक ये 51 मीटर की विड्थ है इस म्यूरल की और ये म्यूरल भी इन्होंने इकबाल की पोएट्री के ऊपर बेस किया था कि इंसान की मतलब एक तरह से कि आगे मतलब फॉरवर्ड मूवमेंट किस तरह हो वो होगी लेबर से और मतलब और टूल मेकिंग से। अच्छा 61 के बाद सादिक चले गए पेरिस और 67 तक वहां रहे और पेरिस का उनके ऊपर बहुत बड़ा असर है। जाहिर है पिकासो का काम सादिक की काम के लिए बहुत मतलब जरूरी है समझना और ये पिकासो की एक एचिंग है गोलार्ड स्वीट से 1933 की। इसमें आर्टिस्ट और मॉडल का थीम ये पूरी मतलब इसमें काफ़ी इस पोर्टफोलियो में काफ़ी एचिंग्स हैं और सारी जो एचिंग्स हैं वो आर्टिस्ट और मॉडल की थीम पर मतलब वो पेश की हैं और सादिक ने 1966 में एक ये ड्राइंग्स एक किताब में शाया की थी जिसका इंट्रोडक्शन फैज़ अहमद फैज़ पोइट फैज़ अहमद फैज़ ने लिखा और इसमें भी आप अगर आप देखें तो इसमें भी आर्टिस्ट और ड्राइंग और मॉडल के ऊपर एक तरह से रिफ्लेक्शन है। अच्छा इसमें आप देखेंगे कि ये एक सर वकफ की थीम दिया गई है कि मतलब ये आर्टिस्ट का सर कटा हुआ है और ये जो एक तरह की सब्जेक्टिविटी है एक तरह से आप सादिक का अपना अपनी मतलब जो किरदार के बारे में वो एक पेंटिंग्स के थ्रू एक्सप्रेस करना चाह रहे हैं उसमें ये थीम भी आ रही है और ये थीम उनको वो उसको सरमद से भी कनेक्ट कर रहे हैं। सरमद एक सूफी थे जिनकी जो दारा शिक्को के साथ थे जब औरंगजेब पावर में आए तो उस औरंगजेब ने सरमद को एक्सिक्यूट किया उनका और वो एक्सिक्यूशन दिल्ली में मतलब ये कहानी उनके बारे में ही है कि दिल्ली के जामा मस्जिद के स्टेप्स पर हुई और सरमद की इतनी ज़्यादा मतलब कुवतें थी रूहानी कुवतें कि जब उनका सर कटा तो वो सर उठाकर जामा मस्जिद की सीढ़ियों की जब तक दूसरों लोगों ने कहा कि ये प्लीज़ आप ना करें ठीक है तो एक तरह से ये भी एक सादिक की सब्जेक्टिविटी एक हीरोइज्म है ठीक है इसमें एक हीरोइज्म है एक सेल्फ मतलब एक तरह से कि ये मॉडर्निज्म की एक थीम है और दूसरे आर्टिस्ट ने भी देखने में आती है इंडियन आर्टिस्ट इनफैक्ट भी शायद इस एंगल मतलब एक तरह से टॉर्चर्ड हीरोइक सब्जेक्टिविटी जो मॉडर्निज्म की वो सादिक की आप देख रहे हैं और इसमें आप ये भी देख रहे हैं कि मतलब उसी किताब में इस तरह की भी ड्राइंग्स हैं जिसमें सादिक ने एक का अपना फिगर है या अपनी बॉडी है उनकी और इनकी जो उंगलियाँ हैं वो एक तरह से अल्लाह मतलब एक कैलीग्राफिक फॉर्म में शेप हो रही है। अच्छा अब इसमें ये हो रहा है कि इसमें अगर हम देखें तो इसमें और भी काफ़ी जो इन्फ्लुएंसेस हैं जो पेरिस से आ रही हैं एक तो ये है कि ये एक तो लेटरिज्म एक मूवमेंट थी जो कि दादा और सुरियलिज्म की क्योंकि करंट से निकली उसके जो फाउंडर थे वो थे इसिडोर इसु जो कि एक रोमेनियन और फ्रेंच जू थे और उनको कबला से मतलब उनका काफ़ी उनका कहता वाकफियत थी और कबला में कबला की थ्योरी ये है कबला एक जूश मिस्टिसिज्म है उसकी थ्योरी ये है कि पूरी दुनिया पूरी जो कायनात है वो हिब्रू लेटर से बनी हुई है मतलब एटम्स नहीं है लेकिन अगर आप उनको बारीकी से देखें तो हर जगह सिर्फ लेटर्स फ्रॉम द बेसिस ऑफ द यूनिवर्स ठीक है और ये थ्योरी जो है वो असल में सूफीज्म के कुछ करंट्स में भी है जिसको हम हरूफी मतलब एस्पेक्ट्स ऑफ सूफीज्म से कह सकते हैं तो सादिक को इन दोनों चीज़ों से भी वाकफियत हुई होगी जैसे ये किताब 1960 में इसिडोर उसू ने शामिल की शाया की और इसमें आप देख सकते हैं कि
टेक्स्ट और फिगरेशन का मतलब एक मतलब वही एक प्ले है एक रिफ्लेक्शन में, ठीक है। अच्छा, साधकैन के वालिद उनकी तबीयत ठीक नहीं थी, वो पेरिस गए इलाज के लिए, और फिर उन्होंने साधकैन से कहा कि आप वापस आ जाए, और साधकैन आ गए वापस कराची। और जब वापस आए तो उन्होंने 1968 से लेकर 1973 तक बहुत ज़्यादा काम किया। उन कामों में उन्होंने एक गालिब के ऊपर कई पेंटिंग्स बनाई और एक उसका एक एडिशन भी शामिल किया। ये उसे एक मतलब किताबी एडिशन एक पोर्टफोलियो है, उसका कवर है जो साधकैन ने बनाया है, और पेंटिंग्स हैं जो कि मुख्तलिफ गालिब के आशार पर लिखी मतलब पेंट की गई हैं, और जो कैलीग्राफी जो की है, जो लिखाई जो शुरू की है, वो भी साधकैन ने की है। तो ये कुछ पेंटिंग्स हैं, मैं जल्दी जल्दी गुजर रहा हूँ, टाइम नहीं है। अच्छा, इसके अलावा होता ये है कि इसके फौरन बाद 1969 से लेकर 1971-72 तक साधकैन खुद शायरी भी शुरू कर देते हैं, अपनी शायरी शुरू कर देते हैं, और वो रुबाई फॉर्म में शुरू करते हैं। और वो ये कहना चाह रहे हैं कि मैं पेंटर हूँ और अब मैं शायरी की तरफ पढ़ रहा हूँ, रुबाई की तरफ पढ़ रहा हूँ, मेरा क्या मतलब, मैं इससे कैसे कर सकता हूँ। तो काफ़ी जो उन्होंने रुबाइयाँ लिखी हैं वो इस थीम पर लिखी हैं, ठीक है। और जो रुबाइयाँ हैं उसमें वो अपने आप को देख रहे हैं कि जो इनसे पहले जो मतलब मशहूर मतलब रुबाई के शायर हैं वो हैं उमर खय्याम हैं, और सरमद ने भी रुबाइयाँ लिखी हैं। तो अब साधकैन कह रहे हैं कि एक तरह से एक गेट क्रश है कि मतलब मैं इस दुनिया में नहीं हूँ, लेकिन मैं इसमें आना चाह रहा हूँ, मैं कैसे आऊँ, ठीक है। तो काफ़ी उनकी जो रुबाइयों की थीम भी है वो भी इसी बेसिस पर है। और अगर आप ये देखें तो ये इन्होंने एक 1970s में ये दो या तीन किताबें शायद की रुबाइयों के ऊपर, और ये उनकी अपनी उनका अपना कलाम है, उनकी अपनी पोइट्री है, और इलस्ट्रेशन भी उनकी है, ठीक है। तो एक तरह से एक पूरा एक मतलब एक प्रोजेक्ट है उनकी। अच्छा, उस जमाने में ये भी हुआ कि जनरल ज़ियाउल्लाह पावर में आए लेट 70s में, और जब जनरल ज़ियाउल्लाह पावर में आए तो उन्होंने इस्लामाइजेशन शुरू की पाकिस्तान में, और उन्होंने कैलीग्राफी को एक तरह से स्टेट फॉर्म के तौर पर मतलब अहमियत देना चाहिए, ठीक है। और ये आप देख रहे हैं कि जनरल ज़िया एक कैलीग्राफी की एग्जीबिशन का इफ्तिताह कर रहे हैं। और लेकिन साधकैन इससे पहले भी मतलब साधकैन ने काम अपना जो कैलीग्राफी का शुरू किया था वो आप 60s के से फेस कर सकते हैं। और तो ये जो रिलेशन है मतलब कैलीग्राफी आर्ट और स्टेट प्रोजेक्ट की एक बड़ी मतलब एक पेचीदा और कॉम्प्लिकेटेड रिलेशनशिप है, जिसको समझना के लिए मतलब मेरे पास टाइम नहीं है अभी। और तो लेकिन बहरहाल ये भी एक अहम चीज़ है जिसपे तवज्जो देनी चाहिए। साधकैन ने 1980s में इंडिया में भी काफ़ी महीने गुजारे, और ये एक रिफ्लेक्शन है जो एम एफ हुसैन ने लिखी थी साधकैन के ऊपर, ये इलस्ट्रेटेड वीकली ऑफ इंडिया में छपी है। और हुसैन ये मतलब बताते हैं कि साधकैन आए दिल्ली और उन्होंने क्या क्या मतलब यहाँ पर किया, और उनको वो किस तरह के प्रोजेक्ट्स वो शुरू कर रहे थे। इसके अलावा अगर आप ये देखें कि अगर आप साधकैन को देखें पाकिस्तान में, लेकिन इसको अगर आप कंपेयर करें और दूसरे मुल्कों से, तो ये डेवलपमेंट सिर्फ पाकिस्तान में नहीं थी, लेकिन ये डेवलपमेंट ईरान, इस तरह की डेवलपमेंट ईरान में भी थी, इराक में भी थी, सूडान में भी थी। ये एक आर्टिस्ट है सूडान से, इब्राहिम अल सलाही, जिस पर मैंने भी काम किया, इनका भी एग्जीबिशन हो रहा है ट्रेड मॉडल में। और तो ये इन्होंने मतलब इसमें भी आप देख रहे हैं कि एक तरह से अफ्रीकन मोटिव्स और कैलीग्राफिक फॉर्म आपको ग्रे सही तरह नजर नहीं आएगी, लेकिन वो एक रिलेशन है। इसके अलावा ईरान में जो आर्टिस्ट थे लेट 50s से चार्ल हुसैन ज़ंदरूती हैं, जो अब पेरिस में रहते हैं, जिन्होंने मतलब शिया मोटिव्स, शिया मतलब जैसे ये शिया रिचुअल्स, शिया मोटिव्स और कैलीग्राफी के बेसिस पर उन्होंने एक मॉडर्निज्म डेवलप किया। ये भी ज़ंदरूती की एक पेंटिंग है। अच्छा, इसके अलावा और भी मुख्तलिफ ईरानियन आर्टिस्ट हैं, सियार मजानी और परवेज़ तनावली
काफी अरसे से ये स्कल्पचर्स बना रहे हैं, हीच हीच इन सूफीज्म मींस नथिंगनेस, तो एक स्कल्पचरल फॉर्म है। और इराक में भी ये काम हो रहा था और इसके शाकिर हसन आने से इनकी बड़ी इसमें अहमियत है क्योंकि वो एक थ्योरिस्ट भी थे इन चीज़ों के। अच्छा, इसके अलावा ये लैंग्वेज फिर बाद में इसको और भी टर्न दिए गए इसमें, मतलब ये लैंग्वेज फिर एक क्रिटिक के तौर पर भी इस्तेमाल हुई। तो अगर आप प्रोजेक्ट देखें रशीद अराइन के, जो कि इंग्लैंड में काम करते हैं, और रशीद अराइन ने एक कैलीग्राफी को एक तरह से मतलब एक एंटी रेसिस्ट क्रिटिक के तौर पर इस्तेमाल किया है। अच्छा, और इसमें ग्राफिटी, या फिर ये इन्होंने एक बिलबोर्ड बनाए थे जिसमें एक ये कह रहे थे द गोल्डन वर्सेस, ये गोल्डन वर्सेस के जो बिलबोर्ड्स हैं 1990 में इन्होंने ये हर मतलब काफ़ी जगह इंग्लैंड में दिखाए गए थे एक आर्ट्स प्रोजेक्ट के तौर पर। और ये सलमान रुश्दी की किताब सैटैनिक वर्सेस के थोड़े ही बाद मतलब ये बनाए गए थे। और इसमें ये भी एक एंटी रेसिस्ट मैसेज है जो जो इसमें लिखा है कि अगर आप पढ़ें इसको तो एक 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 इस्लामिक लुकिंग कारपेट है, उस पर ये एक कैलीग्राफी लिखी है और कैलीग्राफी ये लिखी है गोरे लोग सबसे अच्छे लोग हैं, उनकी आंखें बड़ी बड़ी उनकी उनकी चमड़ी बड़ी ही सफेद और मुलायम होती है, उनकी आंखें नीली और उनकी तहजीब सबसे तहजीबों से बढ़कर है। तो मतलब एक तरह से ये इन्होंने एक वाइट रेसिज्म को सेलिब्रेट किया है, लेकिन सेलिब्रेट किया है उर्दू में। तो इसको कौन पढ़ेगा, अगर कोई ब्रिटिश देखेगा वो समझेगा कि शायद कोई मजहब या कुरान लिखा है तो वो उनको पसंद नहीं आता, और जो पाकिस्तानी या जो उर्दू स्पीकर्स हैं जो इंडियन में सेटिंग है अगर वो देखते हैं तो ये देखते हैं कि ये क्या लिखा है, ये तो वो भी उसको अटैक करते हैं। तो हर तरफ से ये प्रोजेक्ट पर अटैक हुआ। अच्छा, इसके अलावा अगर आप देखें शीरिन निशात का काम, शीरिन निशात ने विमिन ऑफ अल्लाह एक इनका अहम काम है, फोटोग्राफिक काम है जिसमें उन्होंने रेवोल्यूशनरी इमेजरी है विमिन मतलब एक कंटेस्टेड किस्म की इमेजरी है, उस पर इन्होंने मतलब कैलीग्राफी को भी डिप्लॉय किया है, कैलीग्राफी इस्तेमाल किया, और ये कैलीग्राफी ज़्यादातर फेमिनिस्ट पोइट्स से है, ईरानियन फेमिनिस्ट पोइट्स। इसके अलावा इंडिया में इंडिया की आर्टिस्ट उन्होंने रुमाना हुसैन, इनकी ये आखिरी प्रोजेक्ट थी, इनका इंतकाल हो गया उस वक्त, इनकी मतलब इनकी ये इनके एंड ऑफ लाइफ पर थी। और अगर आप इसको ये प्रोजेक्ट मैंने खुद देखी 1999 में ऑस्ट्रेलिया में, बहुत अच्छी प्रोजेक्ट है। और अगर आप देखें कि ये दीवारों पर जो बैंड है ये 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 पुरानी छुरियों और नाइफ्स और मतलब ब्लेड से बना गया है, और एक तरह से कैलीग्राफिक लुकिंग बैंड है, लेकिन इसको पढ़ नहीं सकते, इसका कोई मतलब इट इज़ अनरीडेबल, इट इज़ एन एब्स्ट्रैक्ट। तो इसमें मतलब द बॉडी और नीचे स्ट्रेचर्स हैं और मतलब उस पर मेडिकल मतलब ड्रिप्स आईवीज ये चीज़ें रखती हैं, तो एक तरह से डेथ रिफ्लेक्शन ऑन डेथ वायलेंस द बॉडी। और अगर आप नायजा खान को देखें जो कि कराची में आर्टिस्ट हैं, तो वो भी मतलब ये रिलेशन ऑफ फेमिनिज्म द बॉडी एंड लैंग्वेज पर ये मतलब काम करेंगे। तो एक तरह से ये एक लैंग्वेज है जो कि मतलब 1950s 1960s से डेवलप होना शुरू हुई, और अब इसको मतलब मुख्तलिफ लोग मुख्तलिफ तरह से अपने अपने मतलब जो जो उनके लिए अहमियत है उस तौर पर इसको और डेवलप करते हैं। ठीक है, एक आर्टिस्ट भी हूँ और मैं अपना काम पिछले 15 साल से एलिजाबेथ डाडी के साथ कर रहा हूँ, तो हम दोनों मतलब एक कोलैबोरेशन में हैं, और मैं कुछ प्रोजेक्ट्स आपको दिखाऊंगा जो हमने किए हैं। अच्छा, मेरा इस कैलीग्राफी वगैरह से कम ही ताल्लुक है, मैं अपना काम पॉपुलर कल्चर से ज़्यादा, तो एक बिल्कुल मुख्तलिफ किस्म की मतलब मेरा अपना काम है। और मैं आपको मतलब बस ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा, जल्दी जल्दी दिखाता हूँ। पहले मैं शुरू करता हूँ एलिजाबेथ की काम कर रही थी, एलिजाबेथ और मैं सियाटल में अमेरिका में मैं पढ़ रहा था उस वक्त, हम लोग वहाँ मिले और हम लोगों ने मतलब एक दूसरे मैं फोटोग्राफी के बैकग्राउंड से आ रहा था, वो एलिजाबेथ स्कल्पचर की बैकग्राउंड से आ रही थी, और जब हम मिले हमने एक दूसरे का काम अलग भी हम कर रहे थे लेकिन एक दूसरे की मदद भी कर रहे थे। और ये एक प्रोजेक्ट है जो कि एलिजाबेथ ने की थी, और ये पेंटिंग्स हैं जो कि लाइट से बनी हुई हैं, लाइट बल्ब से। अच्छा, फिर हम लोग कराची आ गए 1991 में, और वहाँ कराची में हम लोग देखने लगे कि कराची एक बहुत बड़ा शहर है, मेगा सिटी है, और इसमें उस ज़माने में म्यूज़ियम्स और गैलरीज बहुत कम थी, कुछ गैलरीज थी, अहम गैलरीज थी, लेकिन वो ज़्यादातर मॉडर्निस्ट पेंटिंग दिखा रही थी।
वो नया कंटेम्प्रेरी आर्ट नहीं दिखा रही। और तो जब हम लोग काम करने लगे तो हम ये देखने लगे कि इस शहर में क्या क्या पॉसिबिलिटी है, मतलब पॉपुलर पॉसिबिलिटीज क्या है, और जो पॉपुलर का कंसेप्शन है वो क्या होना चाहिए, मतलब एक कंटेम्प्रेरी मेगा सिटी में। क्या अगर हम कहें कि हम पॉपुलर हैं तो क्या हम फोक की तरफ जा रहे हैं, क्या हम ऑथेंटिक फॉर्म्स की तरफ जा रहे हैं, या क्या हम अर्बन फॉर्म्स की तरफ जा रहे हैं, ठीक है। और उस मतलब ये है कि अगर आप साउथ एशिया को देखें, पूरे रीजन को, तो बहुत अर्बनाइजेशन बहुत ज़्यादा तेजी से आगे आ रही है। और जो फोक फॉर्म्स हैं वो भी हमें कैसे मतलब हम देख पाते हैं, हम विलेजेस, या ज़्यादातर हम लोग तो नहीं जाते विलेजेस में, नहीं जाते, या हम किसी ट्राइबल एरियाज में नहीं जाते, हम देखते हैं या तो टेलीविजन पर या फिर स्टेज पर देखते हैं, हाँ, या फिर हम तो एक तरह से फोक फॉर्म्स भी हैं, वो मॉडर्न मतलब टेक्नोलॉजी से दे आर नॉट सेपरेट फ्रॉम इट, ठीक है। तो जो फोक फॉर्म्स हैं बहुत से, जैसे फोक डांसेस हो या फोक मतलब थीम्स हो, वो भी एक तरह से मॉडर्निटी के अंडर मॉडिफाई हो गए। और ये प्रोसेस शहरों में भी चलता है, मतलब ये प्रोसेस अगर आप पाकिस्तान जाए तो आप देखेंगे कि व्हीकल डेकोरेशन इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉपुलर फॉर्म, ठीक है, बट इट्स नॉट एन ऑथेंटिक फॉर्म। मतलब अगर आप व्हीकल डेकोरेशन को देखेंगे, ट्रक्स, बसेस, रिक्शा, जिन पे बहुत ज़्यादा डेकोरेशन होता है, बल्कि बाज़ दफ़ा तो ट्रक्स की अगर कॉस्ट है 2 लाख या 4 लाख रुपए, तो डेकोरेशन विल कॉस्ट मोर देन द ट्रक इटसेल्फ, ठीक है। तो उसकी कोई एक्सप्लेनेशन नहीं है, मतलब ट्रक, अगर आप इफ अ ट्रक कॉस्ट 10 लाख रुपीज, देन वाई शुड यू स्पेंड अनदर 10 लाख रुपीज डेकोरेटिंग, ठीक है ना। तो इसकी कोई मतलब एक्सप्लेनेशन नहीं है। तो और ये ऑथेंटिक फॉर्म नहीं है, इसको आप ट्रेस करना चाहें कि मतलब जैसे कि साउथ पंजाब में क्या हो रहा था, तो वो आप ट्रेस थोड़ा बहुत कर सकते हैं, लेकिन ये एक तरह से एक नई टेक्नोलॉजी है, स्टेनलेस स्टील इस्तेमाल हो रहा है, मुख्तलिफ नई मीडियम इस्तेमाल हो रही है, एक ट्रक की मोबिलिटी है क्योंकि ये एक जगह से दूसरी जगह जाता है। तो पूरा जो पॉपुलर एरिना है वो एक नई किस्म की पब्लिक विजुअल कल्चर पैदा कर रहा है, मतलब ये एक हमारी अंडरस्टैंडिंग थी। तो हम मतलब जैसे एल्यूमिनियम कास्टिंग, प्लास्टिक टॉयज, स्ट्रीट ग्राफिक्स, मतलब इन चीज़ों से इंस्पायर हुए, और ये कुछ प्रोजेक्ट्स हैं जो एलिजबेथ की हैं जो मैं दिखा रहा हूँ आपको। टाइम नहीं है तो जल्दी ना, तो मैं क्या करूँ, मतलब अच्छा ये है, इस प्रोजेक्ट का नाम है लॉस्ट एंड फाउंड लेकर। Another project, a small project, which is called Torture Nightlight. So it's a small box, maybe six inches on each side, and it's made out of plastic, and there's a bulb inside. So it glows in the dark. And the images are drawn from, मतलब ये भी popular images हैं, मतलब जो कि बच्चों की किताब की कहानियाँ और किताबों से ली गई हैं। और 90s में काफ़ी, मतलब कराची में काफ़ी वायलेंस थी, और इसमें मेन ग्रुप्स पर बेसिकली एथनिक वायलेंस थी, इसमें जब एथनिक वायलेंस बिटवीन वेरियस ग्रुप्स, एंड पुलिस वर आल्सो इन्वॉल्व, द आर्मी वाज आल्सो इन्वॉल्व एज अ काइंड ऑफ पीस मेकर, और द वायलेंस वाज सच के इसमें काफ़ी टॉर्चर भी होता था, मतलब तो इट्स वाज अ वे टू इमेजिन व्हाट दैट टॉर्चर माइट लुक लाइक, ठीक है। लेकिन द बॉक्स इज स्मॉल एंड थिंक, ओके, एंड देन द इमेजेस आर they are against the matlab okay power of love, ye bhi ek popular culture pan based installation hai jo ki Sao Paulo biennial 1998 mein dikhai gayi, aur uske liye hame we developed a very large idea of a disco, matlab a disco floor, okay, so I'm showing you some images, it's a very large installation and it's a disco floor jisme the bulbs go on and off, okay, and then you have these large ye bade bade panels, 3 bade panels hain which are backlit, uske piche matlab light hai, and the jo panels hain uski image bhi popular culture se derived hai, right?
और इसके बीच में एक 4 फुट की बेंच भी थी जिस पर आप बैठकर इसका मतलब नजारा कर सकते थे, उसको पूरा एक्सपीरियंस कर सकते थे। लेकिन बेंच पे आप बैठ नहीं सकते थे क्योंकि बेंच एक हार्ड शेप की थी और उसमें वेन्स इतनी ज्यादा मतलब थी कि ऊपर थी कि इट वॉज अनकम्फर्टेबल। दैट वॉज द आइडिया। साउंडिंग नहीं, नो साउंड। So much of the imagery comes from, again, things that we find in the city, printed materials, popular graphics, film imagery. Including posters which you find in shops with wise looking sayings. Okay. So the issue really is that the question of popular is actually quite a complicated one. Okay? जब popular हम देखते हैं तो popular culture में एक तरह से criticality नहीं है। मतलब popular culture में अगर आप crop decoration देखें या आप calendar images देखें तो या आप मुख्तलिफ किस्म की, और of course India is also very very rich in this. तो when you go and you see this, it's all around you. कभी हम लोग तो ज़्यादातर notice भी नहीं करते। मतलब इसको नोटिस करने के लिए भी एक तरह से, मतलब अगर आप सोचना शुरू करें कि पॉपुलर कहाँ कहाँ है तो फिर आप उसको जितना आप देखें उतना आपको ज्यादा नजर आता है ना। और लेकिन इसमें मतलब अगर हम कह रहे हैं हम आर्टिस्ट हैं और ये एक पॉपुलर कल्चर है, पूरा एक ओशियन सा है, एक फील्ड है, और इसमें अगर हम दाखिल होना चाह रहे हैं तो हमारी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ये एक डिफिकल्ट और कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन है। क्योंकि हम सिर्फ पॉपुलर को अप्रोप्रिएट नहीं कर सकते, हमें एक तरह से एक आर्टिस्टिक रिस्पॉन्सिबिलिटी भी के साथ उसको, और इसमें मेरे ख्याल से जहां तक मेरा अपना ख्याल है कि आर्टिस्टिक रिस्पॉन्सिबिलिटी आल्सो मींस बीइंग क्रिटिकल। मतलब टू डेवलप, टू डिप्लॉय दिस लैंग्वेज एंड टू एंगेज विद दिस लैंग्वेज व्हाइल इन अ सेंस बीइंग क्रिटिकल। और इसमें सबऑर्डिनेटी की भी कभी सवाल है, पावर डायनेमिक्स का भी फर्क है, क्योंकि आर्टिस्ट की एक वॉइस होती है और पॉपुलर कल्चर हैज नो इंडिविजुअल वॉइस। ठीक है, तो ये भी एक मतलब, सो वन हैज टू बी इन अ सेंस आल्सो केयरफुल with these. Achha, this was a work developed for a show in India. जब मैं 15 साल पहले दिल्ली आया था तो ये काम मैंने दिखाया था, और ये काम 1997 के लिए दिखाया गया था जबकि मतलब 50th anniversary थी independence और partition की। And this had to do with using again kind of popular imagery of food to talk about kind of in a sense differences. Film series, film imagery. This is a photographic series I did in a few years ago, which is looking at popular cinema. Okay, and these are still photographs. ये एक मतलब photographs हैं, लेकिन इन photographs में movement भी आपको दिखाई देती है, और ये movement इस तरह दिखाई देती है कि I leave the camera on for some time. तो more than one frame is recorded, and since more than one frame is recorded you get a sense of movement. Isme titles nahi hai and they are just simply photographs that are matlab ek tarah se it's an exploration of this kind of fantasy world of cinema. Lekin kya ye fantasy world hai ya iska hamari zindagi se bhi koi taluq hai, matlab ye question ye paida hota hai na ke jo aap filmon mein dekhte hain kya wo sirf fantasy hai, kya wo sirf ek matlab ek dusri duniya hai, ya ye isme hum हमारा अपना तसव्वुर, हमारी अपनी कॉन्शियसनेस कहाँ तक इस फिल्म अच्छा, और इन्हीं फिल्मों की मतलब इसी लाइन ऑफ थिंकिंग में ये एक और सीरीज है, इसका नाम है दे मेड हिस्ट्री। और दे मेड हिस्ट्री, दीज आर सर्कुलर लाइट बॉक्सेस, तो ये तकरीबन 19 इंचेस की लाइट इनके डायमीटर है लाइट बॉक्सेस का, और इसमें देयर इज अ इट इज सो इट इज लिट अप,
और इसके अंदर एक यू सी एन इमेज, अ वेरी टाइनी इमेज ऑफ अ पर्सन सराउंडेड बाय दिस काइंड ऑफ इमेजिन्ड बैकग्राउंड. एंड द इमेजेस आर, मतलब हमारी ये थी कि हम हिस्ट्री, हमें हिस्ट्री के, अगर हम फिल्म देखें कि हिस्ट्री हमें सिर्फ फिल्मों या पॉपुलर कल्चर से मिलती है, तो हम देखेंगे कि हॉलीवुड ने कौन कौन सी फिल्में बनाई जिसमें नॉन वेस्टर्न हीरोज या विलन थे, और जो हिस्ट्री वो हॉलीवुड ने दी है सिर्फ वही हमारी हिस्ट्री और कोई हमारी हिस्ट्री नहीं है. ये एक प्रेमिस था, ठीक है ना. तो उस प्रेमिस की बेस पर ये, मतलब तो हमने देखना शुरू की कि हम कितनी फिल्में बनी हैं जिसमें नॉन वेस्टर्न विलन और हीरोज हैं, और जो जो फिल्में बनी हैं उसकी बेसिस पर हमने ये वर्ड्स बनाए. तो ये है आपका गांधी, ऑफकोर्स दिस इज बेन किंग्सली, और चंगेज खान इज जॉन वेन, ओके, एंड शेख ओबेरा इज उमर शरीफ, ओके, एटसेट्रा, ओके. Geronimo, Empress of China, King of Siam, Navy of Sudan, Malcolm X. And the last work in this is a work which is called John Rambo. Again, so this is actually a film star from Pakistan, and his nickname is John Rambo. Okay, and he starred in a film called Hero. Okay, so this is the pose from the film called Hero. So I think it comes full circle. This, if Hollywood can relate the story of the rest of the world, then you know the rest of the world can also relate the story of Hollywood in a certain way. Okay, so there are complicated circuits, is what this is suggesting. So these were shown in various ways, which installation shots I have shown. So they are shown like. जैसे दे आर पोर्ट होल्स इन अ शिप, जैसे शिप के अंदर जो खिड़कियां होती हैं गोल गोल, उस तरह के मतलब पोर्ट होल्स, और उस तरह का एक्सपीरियंस कि व्हेन यू लुक एट अ डिफरेंट यू नो व्यू ईच टाइम. क्लैश ऑफ सिविलाइजेशंस, दीज आर बिलबोर्ड्स. तो दीज वर डेवलप बेसिकली इन अ काइंड ऑफ अ रिस्पॉन्स टू सेप्टेम्बर 11. After September 11, 2001, you know, there were a lot of theories. उस वक्त हम अमेरिका में रह रहे थे और उस वक्त काफी मतलब ये theories, मैं यूनिवर्सिटी में था और यूनिवर्सिटी में भी ये काफी theories discuss हो रही थी कि there is a clash of civilization. मतलब there are two के इसमें Samuel Huntington हैं, Bernard Lewis हैं, मुख्तलिफ intellectuals हैं, American intellectuals, and who have tried to argue कि there is actually the world is divided in very different civilizations. Huntington की थ्योरी है कि मतलब the world has 8 or 9 different civilization, confusion civilization and Mediterranean civilization and you know इस तरह मतलब African civilization, and these civilization they do not have a harmonious relationship between. मतलब his premise is कि उनकी premise ये कि मुख्तलिफ तहजीब हैं दुनिया में और इनका जो relationship एक दूसरे से है वो antagonistic है, sympathetic नहीं. तो so there's a whole kind of notion, ye America mein America is a superpower, there's a whole notion in which ke matlab you know American civilization, American values and its relation to the rest of the world, to uski matlab these works should be thought about in relation to that, clash of civilizations. And these are billboard projects which were ye digitally developed kiye the humne, aur iska idea bhi ye tha ki isko jahan jo bhi space ho, agar bahar ho ya andar ho, isko मुख्तलिफ तरह से रियलाइज किया जा सकता है बिलबोर्ड टेक्नोलॉजीज के थ्रू. और बिलबोर्ड टेक्नोलॉजीज मुख्तलिफ फॉर्म्स में आती हैं, तो कभी अंदर दिखाए जाते हैं, कभी बाहर दिखाए जाते हैं, और कभी बट आइडिया है इसके हमारी यही इंसिस्टेंस होती है कि जो भी स्पेस हमें मिले उसमें जितना बड़ा हम दिखा सकते हैं, जितना ओवर पावरिंग इसको कर सकते हैं उतना हम करना चाहते हैं. ये एक प्रेमिस है. तो ये टेबल फूड में दिखाए गए, ये कॉर्नेल यूनिवर्सिटी के जॉनसन म्यूजियम ऑफ आर्ट में दिखाए गए. ये तस्वीर ज़रा याद रखिएगा क्योंकि जो अगला मैं क्यूरेटोरियल प्रोजेक्ट डिस्कस करूँगा लाइन्स ऑफ कंट्रोल का, वो इसी म्यूजियम में दिखाया गया. तो ये आपको एक आइडिया देगा बिल्डिंग का, मतलब ये बिल्डिंग है IMPA की बिल्डिंग है कॉर्नेल कैंपस पर, और ये जॉनसन म्यूजियम जिसमें लाइन्स ऑफ कंट्रोल की क्यूरेशन मैं दिखाऊँगा. द वेस्ट एंड द रेस्ट, एंड दीज वर ऑल्सो शोन इन अ गैलरी in Glasgow, and the last one is Power. This is shown in Liverpool. Another project again relating to kind of in a sense, you know, or we work a lot with light.
So this is another project, a small project we did with Light, which is for Japan में एक pioneer है Echigo Sumari pioneer जो कि एक Japan के rural area में है and उसका idea ये है कि इस rural area में मतलब depopulation है जो young लोग हैं rural area में jobs नहीं है सब छोड़ के ये Tokyo और मुख्तलिफ शहर चले गए तो इस pioneer का idea ये था कि आर्ट के जरिए मतलब एक तरह से एक रूरल टूरिज्म डेवलप हो और लोग आए और एक तरह से डेवलपमेंट हो तो इस एरिया में काफी हिस्टोरिक इम्पोर्टेंस का एरिया था और हम देखने लगे तो हमें ये रिसर्च लगा कि इस एरिया में केमनोज और सिल्क की काफी इंडस्ट्रीज थी जो कि अब खत्म हो गई है तो ये प्रोजेक्ट जो हमने बनाई है दिस इज एक्चुअली अ बोनसाई ट्री बेस्ड अपॉन जापानीज मोटिव्स एंड दिस इज जो इसको इंस्टॉल किया है वो एक अबैंडन्ड सिल्क फैक्ट्री पर इंस्टॉल किया अच्छा अनदर वर्क व्हिच इज कॉल्ड मैजिक कारपेट ओके व्हिच इज अगेन अ वर्क मेड आउट ऑफ लाइट्स दिस इज अबाउट 7 feet लॉन्ग एंड अबाउट 4 feet वाइड एंड we were asked in this by the Queens Museum of Art. Queens Museum of Art, New York City, mein hai, aur Queensboro mein. Queens Museum of Art ek ahem museum hai, aur ye bana tha 1964-65 World Fair mein. Ye bana tha. Aur iske piche jo buildings hain, wo agar aap Men in Black aapne dekhi hogi film, to jo aakhir mein jo spaceship hote hain, wo uske piche hain. To ye World Fair ki sare structures the. ठीक है और क्वींस म्यूजियम ऑफ आर्ट के बीच में म्यूजियम की काफी बड़ी बिल्डिंग है उसके बीच में एक बहुत बड़ा आर्किटेक्चरल प्लान है न्यूयॉर्क सिटी का और उसमें मतलब 3-dimensional है आर्किटेक्चरल प्लान उसमें रैम्प्स बने हुए हैं उसको आप देख सकते हैं उसमें जैसे एक 10-story बिल्डिंग इतनी बड़ी नजर आएगी आपको एक ब्लॉक सा नजर आएगा और पूरा जो 5 boroughs है उसका पूरा एक मैप बना हुआ है तो वी वॉन्टेड टू इंस्टॉल दिस मैजिक कार्पेट एज इफ इट वॉज फ्लाइंग ऑन टॉप ऑफ न्यूयॉर्क सिटी in that map and so you can see some details okay and this is the way it matlab I don't have a good picture of it flying over the structure but there will be if you I think you can see on the left you can see part of the one of the boroughs okay so it's not a good picture unfortunately but it's suspended matlab ye carpet suspended hai aisa lag raha hai ki ye matlab New York City ke upar hua hai this has also to do with again, Queens may there were a lot of immigrants. Queens is the most diverse place in the world. Queens एक ऐसा borough है जिसमें हर पूरी दुनिया के हर कोने से लोग आकर मतलब settle हुए हैं। तो अगर आप train लें, subway की train लें और Queens में जाएंगे तो आप देखेंगे कि आप मतलब कभी Korean science को pass कर रहे हैं, कभी मतलब RC science को pass कर रहे हैं। तो हर तरह से लोग यहाँ आके settle हुए हैं। और after September 11 a lot of immigrants left actually a lot of immigrants from places like Pakistan and Afghanistan who were not legal they left so there was a question ki matlab people you know log america mein kis tarah aa rahe hain legal immigration ke through aa rahe hain ya matlab aake they are trying to find a better life somehow so how do they negotiate the border matlab they negotiate the border with much difficulty but what does the flying carpet do the flying carpet is a way for to fly without any impediment मतलब आप आराम से अगर आपके पास फ्लाइंग कार्पेट है तो आपको कोई मसला ही नहीं है तो व्हाट इज द मेटाफर ऑफ द फ्लाइंग कार्पेट इन रिलेशन टू बॉर्डर्स एंड सिक्योरिटी मेड आउट ऑफ लाइट्स ओके एंड दीस आर अबाउट 4 foot के तकरीबन ओके एंड दे आर मेड आउट ऑफ बोथ बर्ड्स एंड नीम ओके एंड आई जस्ट शो यू अ फ्यू एंड दीस वर इंस्टॉल्ड इन एन एग्जीबिशन
So I'll show you, I've worked on three major territorial projects, and I'll show you the most recent one, okay, which is called Lines of Control, Partition in the Productive Space. This was shown last year in Cornell University, or abhi iska show Duke University ke National Museum in 19th ko shuru ho raha hai, matlab in 2 weeks from now. Achha, this project was initially developed by an organization called Green Cardamom. Aur ye Green Cardamom ne shuru ki thi as a small project in many different, iska ek art component bhi tha, ke isme mukhtalif artists ke kaam dikhaye jaye, iska ek और दूसरे फिल्म सीरीज का भी कंपोनेंट था, इसका एक वर्कशॉप का भी कंपोनेंट था, और ये मुख्तलिफ जगह हुई, इंडिया में हुई, पाकिस्तान में हुई, दुबई में हुई, लंदन में हुई, और इसका जो तो दीज वर स्मॉल प्रोजेक्ट्स व्हिच देन व्हेन इट केम टू कॉर्नेल यूनिवर्सिटी वी हैड द चांस टू मेक इट इनटू अ मेजर प्रोजेक्ट. ओके, तो लेट मी जस्ट थैंक यू. दिस वॉज क्यूरेटेड बाय हमान नासिर, हु वाज डायरेक्टर ऑफ ग्रीन कार्डमम, मायसेल्फ, Ellen Averill, who is a curator at the Johnson Museum, and another person. And this premise was that it looks at the question of the 1947. It started from the question of 1947 partition, and you know, of India into Pakistan, and then Pakistan into Pakistan. And the question was that how do we, why are there no monuments? You know, this was one. If you see that जो दूसरे हिस्टोरिकल अपहीवल्स दुनिया में हुए हैं, मेनी ऑफ देम आर मॉन्यूमेंटलाइज्ड, मतलब दे मे बी अ म्यूजियम आप जा सकते हैं या किसी मॉन्यूमेंट को देख सकते हैं, लेकिन इन चीज़ों का कोई मॉन्यूमेंट नहीं है, और इसकी क्या वजह है, और उसके क्या मतलब, इज देयर अ नीड फॉर अ मॉन्यूमेंट. ठीक है, तो वन, देयर आर मेनी, ऑफ कोर्स दिस इज अ वेरी कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन एंड देयर आर मेनी वेज टू थिंक अबाउट इट, लेकिन वन वे टू थिंक अबाउट इट इज टू से कि द रीजन देयर इज नो मॉन्यूमेंट इज बिकॉज अ मॉन्यूमेंट मीन्स दैट यू हैव ओवरकम दैट. And it is past, but this is not yet past, you know, for many people. In fact, it is very much alive, right? And इसमें interesting चीज़ ये है कि ज़्यादातर जो हमने artists दिखाए थे, they actually had not experienced, gone through this experience themselves. लेकिन they were second generation, तो उनको एक उनका अपना personal experience नहीं था इसके बारे in events के थ्रू रहने का, लेकिन उनका एक secondary experience था. तो एक तरह से कि सेकंड जनरेशन ने भी दीज थिंग्स इन अ सेंस कंटिन्यू टू परपेचुएट. ओके, अच्छा, एंड बट वन ऑफ द थिंग्स वी रियलाइज कि वी शुड नॉट जस्ट फोकस ऑन साउथ एशिया, क्योंकि होता ही है कि इफ वी जस्ट लुक एट, लेट्स से इफ वी जस्ट लुक एट आवर ओन एक्सपीरियंस, द डेंजर इज कि हम अपने एक्सपीरियंस को एक यूनिक समझने लगे, या एक समझ लेंगे सिर्फ हम ही इन चीज़ों से जुड़े हैं. तो इसको हिस्टोरिसाइज करना, इसको कंपेरेटिव फ्रेमवर्क्स में लाना भी जरूरी है. तो जब हमें मौका मिला ये कॉर्नेल यूनिवर्सिटी में डेवलप करने का, तो हमने और भी एरियाज को इसमें कम से कम कुछ प्रोजेक्ट्स शामिल करनी शुरू की जो कि विच हैव हैड एक्सपीरियंसेस दैट वी कैन टॉक अबाउट आल्सो इन रिलेशन टू बॉर्डर्स, पार्टीशंस, यू नो, अपहीवल, ओके, माइग्रेशन. और जाहिर है, मतलब दिस इज अ वेरी वेरी, मतलब द मोर यू लुक द मोर यू फाइंड वाली बात है, लेकिन वी आई मीन there are certain key areas that we looked at. One is of course North and South Korea ko humne dekha, humne Israel Palestine ka issue dekha, humne Armenia ka issue dekha, humne North aur South Sudan ka issue dekha. To ye issue, inki kuch artists jo in issues par kaam kar rahe hain, unko bhi humne include kiya hai. Acha, to ab main aapko kaam dikhata hu. Acha, to ye hai Johnson Museum ki building. पहले भी आपने देखी जॉनसन म्यूजियम की बिल्डिंग, एक साइड शॉट है, साइड से देख रहा है, और इसमें आप देख रहे हैं एक बैनर, और ये हरार सरकिसियन, हु इज एन आर्मेनियन आर्टिस्ट हु लिव्स इन सीरिया, ठीक है, एंड टर्की. तो हरार सरकिसियन हैज दिस बैनर, एंड द बैनर लुक्स लाइक एन आर्किटेक्चरल फसाद दैट इज ऑलरेडी पीलिंग, मतलब फॉलिंग डाउन. ओके, एंड इसमें आर्मेनिया का, ही इज वर्किंग ऑन द क्वेश्चन ऑफ आर्मेनिया. आर्मेनिया का ये था कि आर्मेनिया वाज हैड सीज्ड टू एग्जिस्ट एज अ कंट्री. इसमें आर्मेनिया सफर्ड मेनी मेनी अपहीवल्स. देयर वाज अ जेनोसाइड ऑफ आर्मेनियंस इन ड्यूरिंग द ऑटोमन टाइम्स इन अर्ली 20th सेंचुरी. उसके बाद बिकॉज ऑफ द सोवियत यूनियन एंड द कोल्ड वॉर कॉन्टेक्स्ट, आर्मेनिया वाज नॉट रियली अ सेपरेट कंट्री. ठीक है, और आर्मेनिया का बहुत बड़ा डायस्पोरा है, बहुत से लोग अमरीका में, खासतौर पर बहुत से आर्मेनियंस अमरीका और कैनेडा में जाकर सेटल. लेकिन देवर आर्मेनियंस आल्सो इन इंडिया, ओके, वन ऑफ द सिंगर्स गौकर जान,
You know, one of the earliest singers of Indian music in the 20th century was Gokarjan, who was of Armenian origin. So Armenian diaspora was very big. But after the Cold War, the Cold War khatam hui, to Armenia became a country. And then the country said ki hum sabko bulana wapas chahte hain. So we will build these housing complexes. So unhone housing complexes banaye aur koi aaya nahi. So before they were even built, they became ruins. Okay? So his work is about that. Muhammad Qadir, he's a Sri Lankan artist he's a painter he does drawings. और इसकी दो पेंटिंग्स हैं, फ्लैग वन और फ्लैग टू, मैं आपको ये लॉबी में डिस्प्ले है, मैं आपको दिखाता हूँ फ्लैग वन. फ्लैग वन इज यू कैन सी इट्स मतलब इट्स अ लैंडस्केप पेंटिंग. इसमें यू सी अ बैंड ऑफ लैंड, अ बैंड ऑफ वाटर एंड अ बैंड ऑफ स्काई. ठीक है, बट द वे ही मेड दिस पेंटिंग्स इज दैट ही मेड देम इन द एग्जैक्ट साइज ऑफ द इंटरनेशनल फ्लैग. तो इसके जो 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 पेंटिंग का साइज है, दैट इज द एग्जैक्ट साइज ऑफ द इंटरनेशनल फ्लैग एंड इट लुक्स लाइक अ ट्राइकलर फ्लैग. मतलब अ ट्राइकलर फ्लैग, तीन बैंड्स के फ्लैग काफी कंट्रीज में के हैं. तो हिज फ्लैग हिज पेंटिंग, इज इट अ पेंटिंग ऑफ अ लैंडस्केप और इज इट अ साइन ऑफ अ फ्लैग एंड व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन नेशनलिज्म एंड टेरिटरी. ओके, सो दैट्स यू नो वन ऑफ द थिंग्स दैट कम्स फ्रॉम हिज वर्क. अच्छा, ज़रीना हाशमी का ये, ज़रीना हाशमी इज अ प्रिंट मेकर. शी हैज मेड द लतूरन लाइन विच इज द डिवाइडिंग लाइन बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान एंड बट शी शोज जस्ट द लाइन एंड शी डजंट शो एनीथिंग एल्स एंड इट्स अ लाइन दैट इज अनसेटल्ड. एज यू कैन सी द लाइन इज नॉट डेफिनेटिव, इट इज नॉट इट इज जैगेटी एंड इट हैज दिस काइंड ऑफ वर्क ऑल अराउंड इट. So in a sense, it is vibrating, it's unsettled. You get the sense. Okay. Rashid Rana is a Lahore-based artist. He made this work called All Eyes Skyward at an annual parade. So this is a photographic collage. It's a large-scale work. He's taken the overall images of the National Day of Pakistan. Okay. Isme there are planes flying and everyone is looking at the display of क्या कहते हैं चीजों को, मतलब जैसे रिपब्लिक डे परेड होता है, यू नो सेरेमोनियल, यू नो एनी ऑफ द एयर शो, सॉरी फ्लाई पास. सो पीपल आर लुकिंग अप देयर बट व्हेन यू लुक केयरफुली देन द कैरेक्टर्स आर मेड आउट ऑफ फोटो मोज़ेक एंड द फोटो मोज़ेक इज मेड आउट ऑफ इंडियन फिल्म्स, मतलब सीन्स फ्रॉम इंडिया. ऑफ कोर्स यू नो ऑल ऑफ पाकिस्तान इज एडिक्टेड टू Bombay cinema. So then, you know, in a sense ke, they have this very, very much a love for Indian cinema. Then, but of course, there is this kind of a national paper. So Rashid Rana many times combines this notion of opposites. The work should contain its opposite also. Acha, Nadia Kabiling, she's a Tunisian artist. She's a Tunisian artist who lives in Europe. And we invited her to come and suggest an idea for the space itself. अच्छा, तो ये शी वॉन्टेड टू वर्क ऑन दिस आइडिया. दिस इज द लार्जेस्ट गैलरी इन द जॉनसन म्यूजियम. इसकी सीलिंग है 17 फीट, मतलब ऑलमोस्ट 6 मीटर्स है ना. तो इनका आइडिया ये था कि शी विल बिल्ड अ वॉच टावर. ओके, एंड शी विल बिल्ड अ वॉच टावर, शाइन अ लाइट ऑन द वॉच टावर एंड पेंट द शैडो ऑफ द वॉच टावर. मतलब जब लाइट शाइन होगी तो इट विल कास्ट अ शैडो. ठीक है, देन शी विल पेंट द शैडो ऑन द वॉल एंड देन रिमूव द वॉच टावर. So when you come in the gallery, all you see is a faint, mostly shadow of the watchtower without the watchtower itself. Okay. So we couldn't build the watchtower because we didn't have enough time. So what we decided to do is at Cornell we worked with architects and MFA students, and we created a digital rendering of the shadow. And then we had a spray painter, मतलब एक airbrush painter, one of the best airbrush painters in America, to come and paint the shadow. Okay, तो मैं आपको इसकी rendering की भी तस्वीर दिखाता हूँ. अच्छा, and इसमें you know you can see that the shadow has already been rendered. वो कोने में इधर अंधेरी सी, और ये दो artists जो काम कर रहे हैं, ये दो लोग, ये
ये शिल्पा गुप्ता के फ्लैग पर काम कर रहे हैं, उसको बना रहे हैं, अब ये आपको दिखाता हूँ। तो ये है शैडो, ठीक है, और इसमें मतलब वॉच टावर नहीं है, सिर्फ आप एक शैडो कास्ट हो रही है। और शैडो को बनाना इस तरह है कि मतलब शुरू में शार्प होती है, अगर आप शैडोज को देखें तो शुरू में जब वो शार्प होती है और आहिस्ता आहिस्ता ब्लर होती जाती है, तो यू हैव टू डू इट इन अ वे विच इज कन्विंसिंग एंड इट शुड नॉट बी टू डार्क, इट शुड जस्ट बी वेरी सटल। सो ऑफ कोर्स दिस नोशन की सर्वेलेंस इज विद अस, राइट, द सजेशन कि हम देख नहीं सकते हैं लेकिन यू नो वी आर बीइंग वॉच्ड, ओके, एंड okay, there is a watchtower even if we cannot see the watchtower. Shilpa Gupta ka flag hai. This flag is made out of, it's a poem, and it's a flag made out of tape which says, do not cross, do not cross. So if you look, you know, in detail, then that it's a yellow tape which says, do not cross. And it's about the impossibility of a border, of a clouds flow over it, and you know, love, in fact, you know, flows, overflows the border, okay? Ye jo red, and this red structure is a structure built by, you know, built by actually, you know, a group, a collective that works in Ramallah, in Palestine, and they deal with the issue of the Israel-Palestine issue, and I'll explain that. On the left is the work, is a work by Gauri Gill, who's a Delhi-based photographer. Okay, and Gauri Gill ka ye kaam hai, jisme she looks at the Sikh community in Kabul. So there was an important Sikh community in Kabul, which has resettled in Delhi, but still remembers Kabul. Okay, so this question of matlab home and affiliation. Achha, the work in the green looking thing is a work by one of my colleagues. She's a Native American. Okay? She's a Native American artist. And unka taluk hai Iroquois Confederacy. Now the Iroquois Confederacy, upstate New York, mein 6 nations the Iroquois nations. Cayuga Nation, okay. So they formed a group. A pact, and it was called the Iroquois Confederacy. And the Iroquois Confederacy is said to be one of the original ideas which led to the writing of the U.S. Constitution. Okay, because the Iroquois Confederacy was an arrangement between the different six different Indian nations about how to conduct their affairs. Okay, so now the problem for she's from the Iroquois Confederation. She's not Cayuga. She's वो तस्करोला से हैं, मेरी जो पड़ी है जोली बिटर, लेकिन जो एक और जो नेशन है इरिकॉय कंफ्रेंसिस में वो कायुबा नेशन है। और कायुबा नेशन की अहमियत ये है कि कॉर्नेल यूनिवर्सिटी इज बिल्ट ऑन द लैंड्स ऑफ द कायुबा नेशन, ठीक है, बट द कायुबा नेशन डू नॉट हैव एनी टेरिटरी, ओके, दे हैव नॉट बीन एबल टू एक्चुअली गेट बैक इन टेरिटरी, ओके, सो दिस इज द इशू। देन देयर इज द Nadia Kabi link and then the flag. Achha. So this is the DAAR at Qasim and the Wallace line. And this is, they are, you know, architects, architectural practice. Hai. Or DAAR is decolonizing architecture and art residency. Ye, DAAR. Or isme ye dekha hai, inhone, is kaam ka naam hai Red Castle and the Wallace line. और यू सी अ zigzag लाइन विद सम स्ट्रक्चर्स ऑन इट, ठीक है, देयर आर 4 डिफरेंट स्ट्रक्चर्स ऑन इट, तो इसमें देयर इज अ हाउस, देयर इज अ मॉस्क, देयर इज अ स्टेडियम एंड देयर इज वन मोर स्ट्रक्चर, ओके, एंड द स्ट्रक्चर्स आर ऑल कट इन हाफ, और आप देख रहे हैं कि यू नो दिस इज अ, यू कैन सी द 4 स्ट्रक्चर्स। अच्छा, दिस हैज टू डू विद द ऑस्लो अकॉर्ड्स, जब ऑस्लो अकॉर्ड्स साइन हुए पैलेस्टिनियंस और इजरायलीज के दरमियान, तो जो बॉर्डर डिमार्केट किया वो एक रेड लाइन से डिमार्केट किया मैप पर, लेकिन अगर आप देखें तो मैप तो छोटा होता है और रेड उस लाइन की भी एक थिकनेस होती है ना, बॉल पेन से अगर आप बारीक से बारीक भी आप लाइन बनाए तो उसकी भी कुछ थिकनेस तो होगी। अच्छा, दैट थिकनेस व्हेन यू ट्रांसलेट इट एक्चुअली इज 100 फीट वाइड एंड दैट कट्स अक्रॉस एग्जिस्टिंग स्ट्रक्चर्स, तो उनका क्या बारीक, तो इनफैक्ट ऑस्लो अकॉर्ड वाज सपोज्ड टू बी वन काइंड ऑफ सॉल्यूशन बट इट एक्चुअली क्रिएटेड ऑल दीज प्रॉब्लम्स विच दे डॉक्यूमेंट, ओके, इट बाइसेक्ट्स एग्जिस्टिंग स्ट्रक्चर्स। Okay,
Julian Rickard ka ye hai, this is a work that she, this work is composed of two parts. Isme ek, there is a sign, this green sign. And this green sign is ki jo style or lettering, this is exactly like the highway sign you see in America. America mein jo highway signs, yahan to blue hai, aapke to blue hai na. So America mein green signs hai. और जो लेटरिंग और साइज है और जो मतलब वो बिल्कुल हाईवे मतलब ऑफिशियल हाईवे साइन का जैसा है, ठीक है. और उसके ऊपर एक वीडियो प्रोजेक्शन है जिसके ऊपर मतलब यू नो नेटिव अमेरिकन स्ट्रगल्स के स्लाइड्स और इमेजेस फ्लैश हो रही है. अच्छा, इस साइन की अहमियत ये है कि इट सेज कायुगा टेरिटरीज. दिस साइन वुड बी इलीगल इफ यू टेक इट आउट ऑफ द म्यूजियम बिकॉज इट विल बी बिकॉज देयर आर नो कायुगा टेरिटरीज एंड देयर आर कोर्ट केसेस अगेंस्ट claims by Cayuga to recover the territories. Okay, and it is written also in Cayuga language. You have Cayuga territories and it is written in a language called Anishinaabe. Pani Avadi ki security barriers, Pani Avadi has been living in Delhi for some time, you may be familiar with the word. So security barriers, these are different barriers she found in Pakistan. Pakistan, you know, law and order situation is not good. There is privatization going on, different houses and you know neighborhoods and buildings construct different kinds of barriers. So these are all the different kinds of crazy barriers in town, you know, which impede you know, people. Ehsan Jamal is a miniature painter from Lahore, and he's done a series of paintings. Ye choti, bilkul choti choti paintings hai beauty. They show basically Indian, you know, army officials and Pakistani army officials. Okay, and there are a series of these paintings, and the title is Tahona Pyar. Okay, and so these are, you know, on the one hand you see the, matlab, they are painting very nicely, so you see all the color and you see the, matlab, you know, pomp and regalia of the uniform. Isme ye colors nahi hai aur medals nahi hai aur sab hai. But and then of course you know you can say these are enemy armies, but on the other hand you know they were all part of the British army. 1947. Okay, so this is you know again this question of kind of division and you know you know that that he explores. Farida Batul, she's also a Lahore-based artist, and she's done this lenticular work. मतलब lenticular work में it as you move ये जो बच्चों के ruler जो मतलब जिसमें images move करती हैं वो the same and it's the line of control is reinterpreted as a kind of the line of sexual power. Rux Media Collective का ये हमने commission किया था काम इनका ये they made a we work with them to make this card. It's a card that folds in three, and there are three poems written on this card. So one is a poem by Tagore, another is a poem by Aga Shahid Ali, and the third poem is a poem by Faiz Ahmad Faiz. And there are three different scripts. So Aga Shahid Ali is in English, Tagore is in Bengali, and Faiz is in the Urdu script. And when you fold the cards, then there is a kind of a layering and transparency that goes through. And all the three, selections of poems refer to the question of the stranger. Okay? Who is the stranger? Who is the self? It's that issue. Hajra Wahid, she's an artist based in Canada. She's made these very minimal drawings of drone, different shapes of the drone aeroplanes. Okay. Naeem Mohaimin, who we also have a work showing right now. Okay, this is called Qazi in No Man's Land. And this is a work that deals with Qazi Nazrul Islam. Qazi Nazrul Islam was a Bengali poet. Or ye matlab revolutionary poet the. Or he wrote a lot of poetry in Bengali. But what happened with Qazi Nazrul Islam is before 1947 he became afflicted with an illness that made him unable to speak. Okay, so he lived on for 30 years after that, but he couldn't speak. And then basically Pakistan claimed him, India claimed him, and also when Bangladesh was made, they claimed him. Okay, so his appearance is on all three stamps of all the three countries. Okay, but of course he couldn't speak. Okay, so in a way, his image and his kind of ideas have been kind of you know deployed for different purposes by all the three different countries. Okay,
Sarnath Banerjee did also a project for us. It's called the Gama Nama. Okay, this is actually a very funny and interesting project. So the Gama Nama is of the story of the great Gama, Gama Pahalwan. Okay, so Gama Pahalwan was this, you know, Pahalwan known for his amazing feats of Pahalwani, but also his diet. He would, you know, have so much ghee and so many, you know, rams every day or whatever. Okay, so what Sarnath Banerjee has done is invented a fake archive of, you know, that there is actually a researcher in an Indian university who is doing his PhD and becomes fascinated by Gama Pahalwan and decides to do the PhD on Gama Pahalwan's diet. Okay, and he then finds all these, so there are all these fake, you know, it's a fake archive, okay, of Gama Pahalwan. And what is interesting is that Gama was, you know, after 1947, Gama was in Lahore and he was not well. And one of his biggest sort of fans was J.D. Birla, okay? And in fact, Birla wanted to become a Pahalwan himself, apparently. This is the story when he was young, okay? He became an industrialist instead, okay? But when Gama Pahalwan was sick in Lahore, okay, after 1947, it's actually Birla who sent money for his thing. Okay, this is a project I did with the Indian artist Nalini Banani. This was first done in 1997 and shown in England, okay, but the project was lost in England. Okay, and the idea was to construct the borderline in with embroidery, okay, using sequins. So it was first done, the original was lost, so we recreated this for the exhibition. And it was done by, you know, these embroiderers in Karachi. Can see them working, and the final project looks like that. Okay, so it's very, you can't tell, but it's very, very fine. You know, it's basically all sequins. Okay, so there's like tens of thousands of sequins that make up this work. Acha, Surekha ka ek video hai. Indian artist Surekha. She, it's a very simple video and very moving video. Okay, what Surekha does is she simply takes her ballpoint pen and draws a line around an ant. Okay, and then the ant wants to is walking. So ant, wo chuti, he wants to leave, and when it comes to the line, it stops and comes back. Okay, and it takes about 2 or 3 minutes before the ant finally, you can see here in the lower, you know, the ant finally was able to cross the, okay, they cross the border. Okay, three works here. One is by Anita Dubey, okay, called River Disease, which is based on the five rivers of the Punjab. Okay, Punjab of course saw the most bloodshed in during 1947, and I think the, you know, the I'll show a detail of this, which is also, you know, Anita has made, you know, made this with the eyes. Okay, so the question, river disease also, because rivers carry a kind of also seem to are life killing, but also carry eye diseases. Okay, and also the, you know, the, I think the way this is done, it looks like a claw. Okay, so there's something very menacing, healing and menacing at the same time. Okay, the work in the middle is by Sophie Ernst Holm, and the work on the wall on the right is by Emily Jasser, a Palestinian artist, 46 Central. Okay, so let me go through these. Okay, so Sophie Ernst is, you know, she's a Dutch artist. And so she was living in South Asia. She spent some time in, and she interviewed people who had to leave their homes. And they would remember what their home looked like, then she would build the home as an architectural model, and then she would project the video and the remembrance on it. So these are four different architectural models, just the video project ho rahe hain, and these people are remembering what they, you know, what was their home like. And it's very, very, very kind of quiet and moving. This is the detail from River Disease. And you can see one of Anita's work, of course. If you just look back there. Finally, Sexy Semite, which is by Emily Jassel. So Emily Jassel is a Palestinian artist here in New York and everything. So she decided, you know, in a sense, that in the question of Israel and Palestine, Jews anywhere in the world have a kind of a right to return to Israel, even though they have never lived. Okay, so you may be an American Jew, you have never lived in Israel, but you can, you have the, what is called the right to return. Okay, but Palestinians, of course, who were many of them left in 1948, yeah, afterwards, they cannot return. Okay,
So she decided to take out these personal ads. Okay? So what she's, you know, all these personal ads, what basically she's saying is that I'm a sexy Semite and I want to you know, meet up with a Jewish, you know, man and go back to you. This is the only way to return, okay, in other words. Okay. So if this would be a web which is for tactical media campaign, you know, in a sense that what it does is it doesn't really make anything new by itself, but it takes existing channels hain, usko tactically misuse karna to kind of, in a sense, you know, to strike home a kind of, and this became a big controversy in New York, because in New York she took out hundreds of these ads, okay, and then finally people noticed and said, okay, what is happening? Maybe this is a Palestinian plot, okay, to return, okay. So people actually took it seriously. Okay. Francis Ellis is a Belgian artist, lives in Mexico, and he was asked to do a border work between the Mexican and American border, and instead of working on that border, he decided to not cross the border. So what he did is he went all around the world, okay, and so he went from Tijuana to San Diego, which is a distance of very few miles, by traveling 25,000 miles, okay, around the world, and so it's a postcard that he makes, which is in a sense a kind of a documentation of this project, okay. Duncan Campbell is an Irish artist who's looking at the figure of Bernadette. Bernadette was a politician who was associated with the Irish Republican. Okay, but then she became a politician. So her biography is not stable. Depending on whom you ask, she's either a terrorist or she's a, you know, a major politician, or she's, so in other words, if you follow the news from different angles, from the British angle or from the Irish Republican angle, you get very different notions of what Bernadette is. Okay. Tom Molloy is another Irish artist. This is a very small work, it's only this big. और इसमें इन्होंने ये किया है कि इन्होंने एक ग्लोब खरीदा दुकान से, जो कि दुनिया का मतलब एक ग्लोब, एंड ही यूज्ड वाइट आउट, ओके, एंड ही कवर्ड द होल ग्लोब वेरी केयरफुली विद दिस वाइट आउट, मेनी मेनी लेयर्स, बट ओनली लेफ्ट द मैन मेड बॉर्डर्स. मतलब दिस इज नाउ अ मैप ऑफ द वर्ल्ड दैट शोज ओनली द मैन मेड बॉर्डर्स. सो इट डजंट शो वेयर, यू नो, ओशियंस फॉर एग्जांपल, बिकॉज़ दैट्स नॉट अ मैन मेड बॉर्डर. Tabriz Al-Sanhouri, Sudanese filmmaker, he showed a film by her about the partition of Sudan. Okay. Noah Lidor, Israeli artist living in London, made a project with salt bricks. These are bricks used to for cattle. So, America mein ye farms wagara pe rakhte hain so that the cattle can lick the salt brick and get some salt, which is they need for their health. So, it's called Wailing Wall. This is the wall you can see. Okay, it's made out of salt bricks and with little bells in it. So the suggestion is, of course, salt being, you know, it's salt having to do with, you know, the Dead Sea, but also biblical notions of, you know, people turning into the pillar of salt by looking behind. So it has many many kind of rich associations. Wailing Wall, of course, the wall of, you know, a holy wall for Jews, which is in Jerusalem. Okay, so there is all of these kind of associations with it. Okay, and last work is by Young Hae Chang Heavy Industries, which is a Korean, it's a Korean group. So the group's name is Young Hae Chang Heavy Industries. It's kind of a joke on, you know, there are only two people, but हम कहते हैं ना यहाँ पर, you know, Samsung Heavy Industries. Honda Heavy Industries. So this is the Heavy Industries, you know, artist group. Okay, but they only two of them, and they do a very limited kind of practice, which is that they only do kind of text-based poetry in one script, okay, and they put it to music. That's it. Okay, and this particular work is called Kanalingus in North Korea, which has to do with the question of sexuality and the question of the relation between South Korea and North Korea. So this is ostensibly a speech by the leader of North Korea saying that we have better sexuality in North Korea than you have in South Korea. So it's it's a kind of a tongue-in-cheek Marxist critique, okay, but of course it's also a critique of North Korea.
It's both a critique of South Korea, that South Korea is too consumerist. It's also a critique of North Korea in the sense that Marxism doesn't take into account the question of sexuality. Okay. And yeah, you can watch all their work on their website. And they've done many different projects. So let me end here. Okay. Thank you, Tagal. You've really done very good, because you started on Salvation, which is like pre-partition, and then they covered around and very decent. I'm sorry, I didn't do this. And before I just open this for questions, I'm sure बहुत लोगों के पास questions or comments होंगे, and we'll take them quickly. But मुझे जानना था कि ये project में obviously curatorial brief दी गई होगी ना पहले? नहीं तो एक you know the thing is कि we Hamad is actually Hamad's baby, and he asked me to help him, so I joined him. So then, you know, basically we developed this project, and we were in conversation with, I'm usually in conversation with Johnson Museum, okay, you know, I'm quite closely with them, so I said, oh, this is what I'm doing. And the curator, the chief curator, she's also the curator of Asia Art. So she said, this is a very good project, we should develop it. So then we said, hey, this is good, and we want to do it in this way. So of course there were challenges, it's a catalog that required considerable funds and right. And considerable kind of logistical support and so on. So it took some time, but we managed some kind of things. So with there were other things, there was a symposium, there was a program. Many of the works are already works that we had identified would kind of work with the theme, and many works are commissioned works. So it's a compilation. It's a compilation. Yes. Yes. उसके अलावा सादक की जो पेंटिंग्स दिखाई आपने, तो अभी तक तो मैंने स्केचेस देखे थे जो 80s में आए थे वो यहाँ पर, तो हमदर्द में काफी हैं वो स्केचेस, और जामिया में भी हैं, तो कलेक्शन है हमारे पास थोड़ा बहुत, लेकिन ब्लैक एंड व्हाइट में आपने दिखाया वो तो नया काम है. नहीं, ये इनका असल में नया काम नहीं, मतलब पुराना काम है, लेकिन और ये पेंटिंग्स पता नहीं कहाँ है, मतलब ये भी एक बड़ा मसला है साथ में काम का, क्योंकि इनके जो काफी जो इनका अर्ली काम है वो मुझे नहीं, मतलब मैं ट्रेस करना हूँ और मुश्किल हो रही है, और काफी अब फेक्स भी आ गए मार्केट में, तो इटीज में जब आएगा तो मेरे भाई बड़े नफीस उनको मिले थे. अच्छा अच्छा, उनके पास कुछ स्केचेस हैं 80s में, और उन्होंने कुछ इंडिया में भी विरोध किए मेरे साथ से, मुझे बताया गया कि दिल्ली में भी हमदर्द में भी है कुछ काम. अच्छा, और बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में भी मिरर है, लेकिन उस पर इनकी मिरर से भी एक किताब लिखी जा सकती है, इसके किसी ने कहा. सर, आपका भी सब बहुत अच्छा लगा. हाय, मेरा नाम रबाब जैनी है. आई हैव डन पेंटिंग, स्टूडेंट भी रही हूँ, एंड आई हैव बीन पेंटिंग फॉर अ वाइल. So my idea was, एक तो I just wanted to suggest you a term for when you were explaining के एक two letters through text जब कोई image या figure बनती है, especially animals, that is known as zoomorphic. Yes. So I think वो थोड़ा easier रहेगा explain करने के लिए. And second thing was कि जो आपने genealogy बताई थी शशा, वो कब तक का है? This was actually a shakra that I found in a book which was published in India actually in the 60s. Lekin there are other studies, and this is very interesting also because this is a very interesting research of people that it was, there are many studies on basically these taskiras on calligraphers, okay, that have come out from Iran, from Iraq. Iraq did a lot of work and they are still doing it. And you know, it starts from basically Kutik, then it goes to Nas, then it goes to Nastalik, and then Shikastra. And then there are various other scripts that also develop. So there are actually, masters of each of these,
calligraphers, and then there are also their students and what they did and so on. So there is a way in which one can reconstruct a kind of a whole stylistic history of, you know, calligraphy based upon, you know, various people, based on these taskiras and so on. So Shatra bhi inhi se matlab in taskiron se hi bana hai. One more thing, I just saw your work in Man's Catalog, the one you did based on sweets or meat, the stereotype series. So, do you really think, because I don't know, but I wasn't convinced with the idea, at least the stereotype, I have never experienced realism. Although I think it's a complicated culture. You know where I found this place? I found this in this book on Lucknow, which is a book with the very famous book on 19th century Lucknow, which is Lucknow ke tamaddun ka aakhri namuna. Okay, like there's a big chapter on food, and this is from there. It's not from me. Okay, so that's quite उसको इल्म भी इसी तरह से आता है ना, उसका इल्म जो है मुझे बहुत artist intention ko kaise dekhenge, so one thing is ki we cannot know the artist intention, but at some level the artist does what they do, and then we are left with how to figure out. Acha, aur jo kehte bhi artist, you cannot trust artists. Okay, ye to matlab everyone knows ki you cannot trust artists. Artists, please, do you guys have something to say? They're right here, me too. अगर आर्टिस्ट कहे भी कि ये काम मेरे इस इंटेंशन के, इट मे मीन समथिंग एल्स टू यू लेटर. It may mean have a very different meaning for you, and that's also fine. So you see, and for people like Sadakan, who are very, they cultivate this person. So they are like, they have this kind of, वो कभी सीधा जवाब मतलब नहीं देंगे किसी question का. और आप क्या भी ऐसे artists होंगे, I think Hussain also walked barefoot on his wife. You see, I mean, so there is, this is also a kind of heroic persona from modernism. This is the time of modernism. उसमें मतलब और ये फिल्में नहीं आई थी ना, देखिए पिकासो, इनका मतलब दे वर लुकिंग एट पीपल लाइक पिकासो वाज दिस काइंड ऑफ हीरोइक प्रोड्यूसर. तो ऑल दीस पीपल प्रोड्यूस्ड अ लॉट. ओके, दे वर आल्सो मतलब ऑफ कोर्स यू नो आई एम आल्सो लुकिंग एट इट थ्रू काइंड ऑफ सूफी यू नो सरना देन दीस काइंड ऑफ फिगर्स आर इंपॉर्टेंट फॉर. बट सो इट्स नॉट जस्ट वन थिंग, इट्स ऑल ऑफ दीस थिंग्स दैट यू कैन ट्रेस. और ये चारों लोग भी हैं जिनका दुनिया से इतनी आसानी से नहीं बनता, दुनिया उनको नहीं समझ सकती, दरवेश को नहीं समझ सकती, फकीर को नहीं, सूफी को नहीं. और मिड 60s में फिल्में नहीं आई थी, आई थिंक लस्ट फॉर लाइफ, क्योंकि मैन वॉक पर थी, और एग्री एंड एक्सट्रीम क्योंकि मतलब उस पे थी माइकल एंजेलो. तो ये दिस वाज द होल यू नो, अब नाउ इफ पीपल डू दिस वी लाफ एट देम, ओके, यू नो, वुड इट वर्क टुडे? यू सी व्हाट आई एम सेइंग, कि क्या तुम मतलब इन चीजों में, बट इट वाज अ, इट हैड अ सर्टेन मीनिंग फॉर दैट टाइम. इट वाज आल्सो नेशन बिल्डिंग एंड द काइंड ऑफ विजन टू द फ्यूचर एंड द एंडलेस पॉसिबिलिटीज, यू नो. सो तो समथिंग अबाउट उनकी जो मतलब जात थी, जो एक्जिस्टेंशियल एंग्स्ट थी, था उसमें एक्जिस्टेंशियलिज्म कम्स इनटू साउथ एशिया अराउंड द लेट 50s. तो वो सब मतलब एक स्मॉल पार्ट ऑफ द स्टोरी, इट्स नॉट जस्ट वन थिंग. और एक सवाल, या एक्जिस्टेंशियल एंग्स को उर्दू या हिंदुस्तानी में कैसे क्या बोलेंगे? अगर उसका ऑब्जेक्टिव ये है कि सहूलियत से समझ आए, तो अगर क्रूशियल वर्ड इंग्लिश में होगा तो फिर नहीं, तो वो अभी मुझे याद नहीं आ रहा. वैसे मैं सबके लिए कह रही हूँ, नहीं सही, आप सही कह रहे हैं.
बिल्कुल सही कह रही है, लेकिन ये मेरी अपनी अस्तित्व सोनिया, एग्जिस्टेंस अस्तित्व दूसरी चीज जो मुझे पता नहीं, मैंने जो जितना गौर किया जितना देखा जो मुझे समझ में आई, इट्स अ वेरी टेक्स्ट ड्रिवन एग्जीबिशन। उसमें बहुत जगह है, बहुत आर्टिस्ट ने टेक्स्ट यूज किया है। नहीं तो देखिए कुछ नई पे टेक्स्ट नहीं, कुछ है जिनमें नहीं है, कुछ नहीं है, पर मुझे लगा कि काफी जगह है। टेक्स्ट नहीं है, अनीता के नाम पे टेक्स्ट नहीं है, मतलब यू नो सो आई डोंट थिंक, मतलब देयर इज टेक्स्ट इन मेनी ऑफ देम, लेकिन यू नो इट्स अ इट्स अ एग्जीबिशन में हर तरह का काम है, मतलब इसमें वीडियो भी है, पेंटिंग्स भी है, तो हम इतना मीडियम को नहीं देख रहे हैं, या मतलब एक मॉडर्निटी को नहीं देख रहे हैं, हम देख रहे हैं कि और इसमें ऑब्लिकनेस भी है बात। हां मेरे सवाल उससे रिलेटेड है, ऑब्लिकनेस से बात चीजें, मतलब आपको सोचना पड़ेगा कि क्या मतलब थीम से क्या बात करते हैं, और यही होना चाहिए कि मतलब डायरेक्टनेस, मतलब एक पोस्टर तो नहीं बना रहे, मतलब वी आर टॉकिंग अबाउट आर्ट व्हिच हैज वेरियस, मतलब इसके मतलब कई मीनिंग होते हैं, एनी गुड आर्टवर्क हैज मेनी, इट्स नॉट अ पोस्टर, इट्स नॉट इसका एक ही मतलब है, इसका एक डायरेक्ट मतलब है, तो आर्ट हैज इसकी कैपेसिटी होनी चाहिए कि आपको सोचने के लिए मजबूर करेगी। तो हमने इस मतलब कुछ ऐसे काम थे जो बहुत ज्यादा मतलब बिल्कुल डायरेक्ट थे, उसको हमने मतलब नहीं, नहीं। मतलब एक ये हम ये कह रहे हैं कि ये एक it's a form of modern consciousness, so ek modern consciousness har dimension zindagi har dimension mein matlab aap isko dekh sakte hain, to iska ye ek wo nahi hai ki sirf jab aap passport lene jaye tab aapko ye masla ho, ya matlab it's far beyond that, it's far bigger and far beyond that, it's a condition of the modern world. Lekin aisa hota hai ki kai baar agar aap usko koi ekdam ko agar feel the text उसमें कोई कुछ इन्फॉर्मेशन नहीं है, आप मैं आपसे दो साल से वाकिफ हूँ, मैं आपका काम देख रहा हूँ, मैं क्रिटिक्स करता हूँ, लेकिन हाउ आर यू गोइंग टू मतलब, तो यू सी आर्ट इटसेल्फ आल्सो मतलब समटाइम्स इट कैन बी वेरी प्राइवेट, ठीक है, देन इट इज द बर्डन, मतलब और आजकल हमें ज्यादा आजादी है क्योंकि वी आर नॉट कन्फाइंड वन, तो वी कैन कंबाइन मीडियम्स, वी कैन थिंक अबाउट यू नो द क्वेश्चन ऑफ उसका आर्ट का एड्रेस ही कौन है, मतलब आर्ट किसको पुकार रहा है, चाहे एक फॉर्मल सब्जेक्ट हो चाहे और एक्चुअल ऑडियंस, और ये क्यूरेटर को भी सोचना चाहिए, तो इसका कोई सिंपल सलूशन तो नहीं है, लेकिन फ्रेमिंग आई थिंक इज एनी गुड शो हैज टू बी फ्रेम, आप ये तो नहीं सकते कि मैं अच्छी आर्ट की नुमाइश कर रहा हूं, तो इट हैज टू यू नो आर्ग्यू, मतलब एट बेस्ट अ गुड एग्जीबिशन इज लाइक अ रिसर्च प्रोजेक्ट इन व्हिच यू डिस्कवर न्यू इनसाइट्स एंड न्यू थिंग्स थ्रू द क्यूरेटोरियल इंटरवेंशन। टू बी सीन आर्टिस्ट्स वर्क But your explanation made a big difference to me, because you said, you know, it's that I can't see, but I feel I'm being watched, you know, so that really awakens. But you see the shadow and you don't know where it's from, huh? So, it's a big shadow. Anita, you had a question? Just to ask you whether Lines of Control is going to travel at all? Yeah, in India or not? No, so, you know, we would like it to travel. Yes. So, we are open to the idea. I mean, of course, you know, the artist insurance or, matlab, you know, but one of the things we are, you know, thinking about is that this should not be a package show with just shadows. So, Duke may be when we are going, so Duke may, achha, Duke may, they cannot take the whole show because they will not have space. So, they are taking about 2/3 of the show. But there, we also ask them to add new works based upon what is important for Duke. So suppose, you know, there is a space in like India who wants to make the show, then we would want to work with the institution to see, to add works that will speak to the, you know, to
to the local condition. But now it, otherwise the research aspect of it is dead. वो तो वहाँ package हो कहीं मतलब चल रहा है तो वो उसमें मतलब I'm not that interested. I'm more interested in continuing the project. But really delighted to see you show on Sarina है थोड़ी मतलब most generation. बाकी तो ज़्यादातर artists जो यहाँ मतलब you know South Asia से none of them live. So it's all so it is second generation. Second generation, so it's residual. That's why it's we cannot get over it. It lives with us, and that's why we have no monument. Because a monument means you get close. Then we cannot close this. Okay. मुझे नवीन ही हमेशा बताती थी कि वो कराची में जब partition जब हुई तो और independence भी हुआ. Independence की celebration कभी नहीं हो पाई. सिर्फ ये बात का मतलब हुआ कि partition. So the whole orientation. People would celebrate independence, instead became mourning of the partition. And now it continues like a bleeding wound. Yes. It just is there and how people are responding. So it's interesting how it comes to this part. And kahi kamon mein bhi wo distance hai aur na wo distance se usko kaise dekhna hai, you know, because it repeats itself in different ways. In different ways, whenever there is problem, whenever new things arise. You know, the thing is ki unless we I mean, of course, our goal is that we need to understand this in all its and unless we understand this in all its kind of complexity, we won't be able to find a way out of it. So ultimately, that's the exorcism. Not simply exorcism, but a way to live with it, and a way to live with it, and to realize that it's not just me who suffered; that it is part of a wider, you know, also to. That's why the tower work I like very much. Yeah, it says you have still not exorcised it. The haunting shadow of surveillance and death, whatever you call it, it's always chasing you. It is a fantastic book because it's not about what is there presently, but it's haunting you all the time. So that work, for instance, is not traveling to you. Okay, so that's one of the. But there is a new work by an artist based in New York who's doing work on the Mexican American border. So in that sense, the work, the show has. Well, the project itself is extremely challenging. So what artists would make of it, and how they would make of it, and what would be the kinds of expressions that they would come with, is itself runs you through. Very interesting things. Some are very moving. Some are very, very much rooted in your spending time with them. लेकिन सबसे बड़ा काम तो आपके पास है वहाँ लाइन ऑफ कंट्रोल है हाँ बिल्कुल वहाँ कुछ और इंटरप्रिटेशन है अगर आप सुबह से पूछेंगे तो मैं कभी एक स्ट्रेट लाइन नहीं बना सकता हुसैन हमेशा बहुत अच्छी लाइन बनाते थे मैं बुरी लाइन बनाता था तो मैंने कह दिया मेरी लाइन कंट्रोल के बाहर है इट विल स्टार्ट फ्रॉम देयर इट विल टेक ऑन मेनी अदर मीनिंग्स एज इट शुड इट्स आल्सो द यू नो व्हाट इज द सेल्फ एंड व्हाट इज यू नो वेयर इज द सेल्फ Anyone else? Can you read a poster nature of the art or high art? If मतलब अच्छी रहे तो वो या craft को लेकिन अब installation ने सबको मिला दिया है आपस में craft भी और जिस तरह से हम कहते थे हमारे teacher थे रामाचंद्रन कहते थे drawing करो sketching करो तो एक तरफ से इतना craft हावी हो गया है installation में कि drawing तो कहीं नहीं खोता है थैंक यू वेरी मच थैंक यू थैंक यू सो मच